एना बोर्ड द्वारा जारी सैंपल पेपर कक्षा दसवीं का जो सेक्शन सी है उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके दूसरे भाग में क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमने एक सम तो कर लिया था, अथवा वाला भाग भी हम करने वाले हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यहां पर दो संकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र एक है, मान लीजिए ये केंद्र है, एक की त्रिज्या 3 और एक की त्रिज्या 5। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहां हम जीवा बनाएंगे, ये मान लीजिए पी क्यू जीवा है, ये मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी ले ले 3 सेंटीमीटर, और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार से ले ले 5 सेंटीमीटर, केंद्र ओ ये मान लीजिए एम पर स्पर्श करती है पी क्यू जीवा। तो क्या निकालना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना जीवा पी क्यू की लंबाई। हल देखिए, छोटे वृत्त, देखो छोटे वृत्त में जो पी क्यू क्या बन रही है, स्पर्श रेखा पी क्यू स्पर्श रेखा। तो जो ओ एम है वो लंब है किसके ऊपर, स्पर्श रेखा पी क्यू पर। क्यों, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये देखिए ये लंब है, अब देखिए ये लंब है तो ये क्या हो गया करण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो हम पाइथागोरस लगा के एम क्यू निकाल लेंगे किस प्रकार से, अब त्रिभुज ओ एम क्यू जो कि क्या है, समकोण है, पाइथागोरस लगाएंगे, करण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग पाइथागोरस। तो यहां पर कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, आधार हमने निकालना है एम क्यू का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, ये इस 3 को इस साइड उठा लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो बराबर में एम क्यू स्क्वायर। तो एम क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 16 के बराबर, और एम क्यू कितना आ गया 4, एम क्यू कितना आ गया 4 आ गया हमारे पास। अब बड़े वृत्त में जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है उसके अंदर देखिए जो ओ एम है वो लंब किसके ऊपर है, पी क्यू के ऊपर। तो पी क्यू क्या है उसकी जीवा, पी क्यू क्या है जीवा। तो पी एम बराबर एम क्यू, और एम क्यू कितना है 4। क्यों, रीजन क्या है, केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब, जीवा को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, बराबर होंगी। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी एम प्लस एम क्यू बराबर 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना था, जीवा की लंबाई। तो जीवा पी क्यू की लंबाई कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है, इसका अथवा भाग भी करेंगे। भूमि के एक बिंदु से, ये मान लीजिए भूमि पर एक बिंदु है P, इसको नाम दे देते हैं। मीनार के पाद से 20 किलोमीटर, ये मान लीजिए मीनार से कितनी दूर है,
20 मीटर की दूरी पर स्थित है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब ऊपर की तरफ, कितना है? 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार मान लीजिए ये ए बी है, इसकी ऊंचाई कितनी मान लीजिए एच मीटर, इसको हम निकालेंगे। देखिए पहले फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। ए बी मीनार मान लो, ए बी मीनार की ऊंचाई एच मीटर है और बिंदु पी इस प्रकार है कि ए पी बराबर 20 मीटर और कोण जो उन्नयन कोण है बी पी ए वो कितना है 30 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है एच, इन दोनों में रिलेशन देखेंगे क्या होता है, समकोण त्रिभुज बी ए पी में जो कोण ए है वो कितना है 90, क्योंकि मीनार बिल्कुल क्या होती है सीधी होती है। तो निकालना क्या है ऊंचाई यानी कि लंब हमें निकालना है, आधार हमें दिया है किसके बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, लंब बटा आधार बराबर टेंजेंट थीटा। तो लंब कितना है एच, आधार कितना है 20, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर देंगे एच बटा 20 बराबर 1 बटा वर्गमूल 3, जो टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1 बटा वर्गमूल 3, तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो एच बराबर 20 बटा वर्गमूल 3, तो ये आपका आंसर है। नीचे से वर्गमूल हटा देंगे, इसको रैशनलाइज कर दें, प्रमेयीकरण कर दें, तो कितना हो गया 20 बटा 3 वर्गमूल 3 मीटर उत्तर। तो बहुत ही आसान सम था, एक ही एंगल था, वो जल्दी से हमने इसको निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा भाग है, अंतिम सम है सैंपल पेपर का। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नताश 60 से घटकर 30 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये आप मीनार हम बना लेते हैं ए बी, यहां मान लीजिए सूर्य चमक रहा है, तो जो इसका जो कोण है वो 8 डिग्री है। तो सूर्य चमकता हुआ अपनी पोजीशन जब चेंज करता है तो छाया की जो लंबाई है वो कोण घट के 30 हो जाता है और छाया 40 मीटर लंबी हो जाती है। यानी यहां पहले P मान लेते हैं, यहां Q, तो P Q ये छाया है 40 मीटर से लंबी हो जाती है। तो पहले फिगर को एक्सप्लेन करते हैं फिर सम करते हैं हल। देखिए मीनार मान लो, मीनार क्या है ए बी है बराबर एच मीटर, बराबर में एच मीटर, छाया पहले थी पी ए बराबर में एक्स मीटर और क्यू ए बराबर 40 प्लस कितनी हो जाएगी एक्स मीटर। जो उन्नयन कोण है बी पी ए 60 डिग्री, बी क्यू ए बराबर में 30 डिग्री। तो ये एक्स मीटर ले लेते हैं छाया जो पहले थी। अब निकालते हैं, पहले एक त्रिभुज लेंगे फिर दूसरी त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज समकोण में समकोण त्रिभुज बी ए पी में देखिए आधार बटा में लंब बराबर किसके होता है कॉट थीटा। आप चाहे टेंजेंट ले ले चाहे कॉट ले ले, बात एक ही है, सामने निकल ही जाना है। आधार कितना है x और ऊंचाई या लंब h है, तो cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट करेंगे x बटा में h cot 60 डिग्री कितना होता है 1 बटा वर्गमूल 3।
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एच बटा वर्गमूल तीन, इसको क्या दे दें, नंबर एक समीकरण दे दें। अब त्रिभुज बी ए क्यू समकोण में, तो यहां पर भी आप कॉर्ड लगा लें, आधार बटा में लंब बराबर में कॉट थीटा, तो यहां आधार कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, तो 40 प्लस एक्स बटा में लंब उतना ही है एच, और कॉट कितना बन गया 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, तो वैल्यू पुट करेंगे 40 प्लस एक्स, एच को इस साइड ले जाएंगे और गुना में वर्गमूल 3, क्योंकि देखिए जो कॉट 60 डिग्री होता है वो होता है 1 बटा वर्गमूल 3, और कॉट 30 डिग्री होता है वर्गमूल 3। धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे, यहां पर x की वैल्यू भर दें, ये 2 x बराबर h बटा वर्गमूल 3, समीकरण 2 में रखने पर 40 प्लस एच बटा वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3 एच, एच वाली टर्म्स एक साइड ले जाएंगे और धीरे धीरे इसको सॉल्व कर लेंगे, वर्गमूल 3 एच माइनस एच बटा वर्गमूल 3, इसको इस साइड ले गए, 40 वहीं का वहीं, एलसीएम ले लेंगे तो वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 3 एच माइनस एच बराबर में 40, एच यहां ऊपर हो गया 2h बटा में वर्गमूल 3 बराबर में 40, तो h निकालना है, वर्गमूल 3 ऊपर 2 नीचे, काट के आ गया 2, तो h बराबर 20 वर्गमूल 3 मीटर, निकालना क्या था, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की जो ऊंचाई है 20 वर्गमूल 3 मीटर उत्तर। इस प्रकार आपका जो सैंपल पेपर है पूरा हुआ, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।